ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आत्मा मरने के बाद एक दूसरे से मिलती है? जो भी आत्मा शरीर छोड़कर गई है, वो किन से किन के पास जाके जन्म लेगी? उनके पास जाके जन्म लेगी, उनके संबंध संपर्क में आएगी जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट है। यहां भी हम मिले हैं, किस आधार पर मिले हैं? कार्मिक अकाउंट के हिसाब से। क्यों इस बच्चे ने हमारे घर जन्म लिया? क्योंकि उसका हमारे साथ कार्मिक अकाउंट है। ये हमारे घर की बहू बन के क्यों आई? उसका कार्मिक अकाउंट है। यह हमारा दामाद बन के क्यों आया? कार्मिक अकाउंट है। यह हमारा पड़ोसी क्यों बना? कार्मिक अकाउंट है। यह हमारी कंपनी का मैनेजर क्यों बना? मालिक क्यों बना? चपरासी क्यों बना? हमारा कुलीग क्यों बना? सारी बातों के पीछे एक ही जवाब है। स्पष्ट हुआ? सारी आत्माएं क्यों कहां जन्म लिया, क्यों कहां किसी से मिले, उसका एक ही कारण है, कार्मिक अकाउंट। और जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो उसने भी जाकर कहीं जन्म लिया है जिनके साथ उनका कार्मिक अकाउंट है, जिनसे वो पहले मिले हुए हैं उन्हीं के संबंध संपर्क में आएंगे ना। जिनसे मिले ही नहीं है उनके साथ कार्मिक अकाउंट कैसे होगा? बहुत अच्छी तरह से समझना है, कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा को देख तक नहीं सकती, संबंध संपर्क में आ नहीं सकती, मिल नहीं सकती, जब तक उसके साथ कार्मिक अकाउंट ना हो। अब हमें समझ में आता है कि विशेष विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसे संपर्क करें किसी भी सेंटर पर, और यदि समझ में नहीं आ रहा तो हमें समझ में आता है प्रश्न भेजेंगे 9213106986। ओ